हाँ जी बेटा, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76, यहाँ पे वो क्या बोल रहा है। एक्स एंड वाई वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:2। एक्स और वाई पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं 1:2 के अंदर। उनकी बैलेंस शीट आपको दे रखी है 31 मार्च 2018 को, कुछ इस टाइप से है। वहाँ पे क्रेडिटर दिए हुए 36,000 के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस है 4,000, कैपिटल दे रखी है एक्स की 1,50,000 और वाई की दे रखी है 3,00,000। टोटल कैपिटल बन जाएगी 4,50,000। एसेट साइड पे आप देखोगे कैश 20,000, डेटर 40,000, प्रोविज़न दिया हुआ है 500 का, स्टॉक है आपके पास 1,20,000, फर्नीचर है 30,000, प्लांट है आपका 2,72,500, पेटेंट्स आपको दिए हुए 8,000। ये आपकी बैलेंस शीट गिवन है। आई होप आप सबके पास बुक्स हैं और क्वेश्चन आपको मिल चुका है। आगे क्या बोलता है, दे एग्री टू एडमिट जेड फॉर 1/5 शेयर फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। वो कहते हैं जेड को वो एडमिट करेंगे 1/5 शेयर के लिए, और टर्म्स कुछ ये रहेंगी, गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 60,000 एंड जेड टू ब्रिंग इन हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। वो कहते हैं पूरी फर्म की गुडविल जो होगी वो होगी 60,000 रुपये, और जेड अपना शेयर यानी कि 1/5 शेयर 60,000 का, दैट इज 12,000, वो कैश में लेके आएगा गुडविल के लिए। आगे पढ़ते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट बी इंक्रीज्ड बाय 1,500, प्रोविजन फॉर बैड डेट बी रेस्ड बाय 1,500, मतलब कि प्रोविजन को इंक्रीज करना है। इंक्रीज करेंगे तो आपको पता है कन्फर्म रिवैल्यूएशन के अंदर आपको लॉस होगा। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, वैल्यूलेस का मतलब पेटेंट्स की वैल्यू हो गई जीरो। पहले देखो पेटेंट कितने के हैं, 8,000 के, आज वैल्यू हो गई जीरो, तो एसेट की वैल्यू रिड्यूस होगी, तो यहाँ पे 8,000 का आपको पेटेंट्स के ऊपर लॉस होगा। स्टॉक भी रिड्यूस्ड बाय 10%, स्टॉक की वैल्यू देखो कितनी है, स्टॉक है आपका 1,20,000 का, इसको 10% से रिड्यूस करेंगे तो फिर एसेट रिड्यूस होती है तो आपको लॉस होगा, तो 1,20,000 का 10% हो गया 12,000, तो आपको लॉस कितने का होगा, 12,000 रुपये का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी इंक्रीज्ड बाय ₹6,000, वो बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को भी 6,000 से इंक्रीज कर दो। देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो आपके लिए लायबिलिटी है, और लायबिलिटी को 6,000 से इंक्रीज करेंगे तो वहां पे भी आपके लिए क्या होगा, लॉस। 2,500 भी प्रोवाइडेड फॉर एन अनफोर्सिन लायबिलिटी, आपको एक प्रोविजन बनाना है 2,500 रुपये का किसी अनफोर्सिन लायबिलिटी के लिए, तो अगर आप लायबिलिटी को इंक्रीज करोगे तो फिर आपका क्या होगा, लॉस। तो यहाँ पे भी आपका नेक्स्ट पॉइंट है, जेड टू ब्रिंग इन कैपिटल इक्वल टू 1/5 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, सिर्फ वही चेंज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, बाकी सारा क्वेश्चन मैं आपको, मैंने सॉल्व किया है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे सॉल्व किया हुआ है वहाँ पे। पहले जो आपको बोला जाता था वो बोला जाता था प्रोपोर्शनेट कैपिटल, अगर वो बोलता है प्रोपोर्शनेट कैपिटल तब तो आपको जैसे पिछला क्वेश्चन करवाया था, पहले पूरी फार्म की कैपिटल निकालनी पड़ेगी और उसके बाद उसका शेयर निकालना पड़ेगा। कंबाइंड कैपिटल का मतलब सिर्फ ये है, एक्स और वाई की एडजस्टेड कैपिटल को टोटल करना है, और टोटल करने के बाद जो भी आएगा उसका 1/5 शेयर जो भी आएगा वो किसका शेयर बन जाएगा, जेड का। ये आपका क्वेश्चन है, आपको मिल गया होगा सॉल्यूशन। देखो कैसे करना, सॉल्यूशन में सबसे पहले बनाना है आपको एक रीवैल्यूएशन अकाउंट, सबसे पहले बनाना है आपको एक रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में बनाएंगे हम, तो आपको पता है कि डेबिट साइड पे सारे क्या आते हैं, लॉस। डेबिट साइड पे आपको क्या लिखने होते हैं, लॉस, और क्रेडिट साइड पे आपको लिखने हैं, ये आपकी क्रेडिट साइड है, यहां पे आपको लिखने हैं प्रॉफिट्स। प्रोविजन आप सेकंड पॉइंट देखें बुक के अंदर, प्रोविजन फॉर बैड डेट बी रेस्ड बाय 1,500, तो उस पे आपको लॉस होगा, तो मैंने उसको कौन सी साइड पे नोट किया, डेबिट साइड पे। उसके बाद बोलता है पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, पेटेंट्स की वैल्यू पहले 8,000 थी अब जीरो हो गई, तो वैल्यूलेस हुआ मतलब उसकी वैल्यू पूरी की पूरी खत्म हो गई, तो आपको लॉस कितने का होगा, 8,000 का, वो भी मैंने कहां लिखा, डेबिट साइड पे। नेक्स्ट वन इज स्टॉक बी रिड्यूस्ड बाय 10%, स्टॉक भी आपकी एसेट है, अगर वो कम होती है तो आपको लॉस हो रहा है, तो आपको डेबिट साइड पे लिखना है वहां पे टू स्टॉक अकाउंट। 1,20,000 का स्टॉक था, उसका 10% बनेगा 12,000 रुपये, वो मैंने यहां लॉस में लिख दिया। उससे नेक्स्ट पॉइंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी इंक्रीज्ड बाय 6,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी है और लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो आपको पता है लॉस होगा,
तो वो भी मैंने कहां पे लिखा, रिवॉल्यूशन की डेबिट साइड पे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 2500 भी प्रोवाइडेड फॉर एन अनफोर्सीन लायबिलिटी। तो अब आपको आपकी लायबिलिटी को इंक्रीज करना है, और लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो फिर दोबारा से क्या होगा, लॉस। तो वो भी मैंने कहां पे लिखा, डेबिट साइड पे। सारी ट्रांजेक्शन आपको डेबिट साइड पे नोट करनी थी क्योंकि सारे के सारे लॉस हैं। उसके बाद टोटल किया तो लॉस का टोटल आता है 30,000 रुपीस, और वो मैंने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो आपको बैलेंस यहां आया तो लिखना इस तरफ पड़ेगा। तो यहां पे आप दो ऑप्शन है, या तो आप लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या आप सिंपली इतना भी लिख सकते हैं बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 30,000 का लॉस है, उनकी ओल्ड पीएसआर है 1:2, उनकी ओल्ड पीएसआर है 1:2, तो मैंने उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 10,000 और 20,000, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 10,000 और 20,000। उसके बाद मैंने बनाना शुरू किया पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले उनकी कैपिटल के बैलेंस लिख दिए, जो कि बुक के अंदर अगर आप देखोगे तो गिवन है 1,50,000 और 3,00,000। जो कैपिटल दी है बैलेंस शीट में वो आपने नोट कर दी, यहां पे क्रेडिट साइड पे नोट कर दी कैपिटल। उसके बाद अब आपको क्या करना है, प्रीमियम फॉर गुडविल जो है उसको कैलकुलेट करना है। वो मैंने यहां कैलकुलेट कर रखा है। पूरी फर्म की गुडविल बनती है 60,000, मल्टीप्लाई करेंगे जेड का शेयर, तो जेड का शेयर आ जाएगा 60,000 इंटू में 1/5, दैट इज 12,000। ये उसकी गुडविल है 12,000 रुपए। ये भी कौन बांट लेंगे, एक्स और वाई। एक्स और वाई बांटेंगे अपनी ओल्ड पीएसआर यानी कि 1:2 के अंदर। तो उन्होंने लिखा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 4,000 और 8,000, 12,000 टोटल था, 1:2 में बांट दिया। उसके बाद रिवॉल्यूशन पे लॉस हुआ है, तो लॉस आपको उनसे लेना है तो डेबिट साइड पे आप लिख दोगे टू रिवॉल्यूशन अकाउंट जो लॉस है वो डिस्ट्रीब्यूट किया 10,000 और 20,000, ये डेबिट साइड पे लिख दिया। इतना सा काम आपको पहले के क्वेश्चंस में सिखाया हुआ है। अब उसके बाद मैंने क्या किया, इनका टोटल किए और उनके बैलेंसेस निकाल लिए, इनके बैलेंसेस निकाल लिए। ये कौन सी कैपिटल आ गई इनकी, एडजस्टेड कैपिटल। कौन सी कैपिटल आ गई, एडजस्टेड कैपिटल। अब एक बार मैं क्वेश्चन फिर दिखाता हूं आपको। क्वेश्चन में लिखा हुआ था, ये लाइन बड़े ध्यान से पढ़ेंगे दोबारा से, जेड टू ब्रिंग इन कैपिटल इक्वल टू 1/5 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई। तो कंबाइंड कैपिटल यानी कि जो उनकी एडजस्टेड कैपिटल आएगी उसका जस्ट टोटल करना है आपको। टोटल किया आपने, ये देखो उनकी कंबाइंड कैपिटल का टोटल 1,44,000 प्लस 2,88,000, ये एडजस्टेड कैपिटल है। आपको बैलेंस शीट वाली नहीं लिखनी है, आपको एडजस्टेड कैपिटल लिखनी है। इनका टोटल बनेगा 4,32,000। इसको मल्टीप्लाई करना है आपको जेड के शेयर के साथ, क्योंकि उसने बोला है जो भी उनकी कंबाइंड कैपिटल होगी एक्स और वाई का, उसको उसका 1/5 शेयर मैं लेके आऊंगा। तो जेड का शेयर था 1/5, वो अप्लाई करोगे तो उसकी कैपिटल कितनी आ जाएगी, 86,400 रुपीस। अब क्या करेंगे, जैसे पहले किया था, पहले पिछले क्वेश्चन में किया है सेम वैसे ही, बाय बैलेंस बीडी जो इनकी एडजस्टेड कैपिटल है वही वापस यहां लिखेंगे 1,44,000 और 2,88,000। और जेड की कैपिटल के लिए लिखोगे बाय कैश अकाउंट, यहां पे आ गया 86,400। और इसके बाद हम इसको कर देंगे बैलेंस टू बैलेंस सीडी, 1,44,000 सेम, 2,88,000 सेम, और 86,400 सेम, 1,44,288 और 86,400, यहाँ पे भी सेम यही टोटल कर देते हैं 1,44,000, 2,88,000 और 86,400। इसके बाद बनानी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, देखो सबसे पहले अब यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आता है, सर पिछली बारी तो आपने यहाँ बैंक लिखा था, आज कैश क्यों लिखा। बेटा मैं क्या करता हूँ, बैलेंस शीट के अंदर जाता हूँ, बैलेंस शीट के अंदर जाके मैं बैलेंस चेक करता हूँ। बैलेंस शीट के अंदर बैलेंस अगर कैश दिया हुआ होता है तो मैं कैश लिखता हूँ, और अगर यहाँ पे बैंक वर्ड यूज होता है तो मैं यहाँ पे बैंक लिखता। तो यहाँ कैश दिया हुआ तो मैंने यहाँ कैश लिखा। आपको लिखना है कैश, कैश का बैलेंस पहले था 20,000, गुडविल के लिए लेके आया 12,000, और कैपिटल के लेके आया 86,400। इसका टोटल करोगे तो ये 1,18,000
400 रुपीज़, 1,18,400 रुपीज़, ये आपका आ गया कैश का बैलेंस। अगली चीज है डेटर्स, अगली चीज है आपके पास डेटर, डेटर आपके गिवन है आपके पास 40,000, लेस करना है प्रोविजन। प्रोविजन के अंदर आपको बोला गया था कि प्रोविजन आपको 1500 से इंक्रीज करना है, 500 का प्रोविजन पहले से बैलेंस शीट में है, 1500 का और बनाना है, तो टोटल बन जाएगा 2000, आपका आंसर आएगा 38,000। नेक्स्ट वन इज स्टॉक, स्टॉक बैलेंस शीट में देखो 1,20,000 का है, स्टॉक पे आपको लॉस हुआ था 12,000 रुपए का, तो बाकी रह जाएगा 1,08,000। उसके बाद है फर्नीचर, उसके बाद है फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया था, सेम वही लिख देंगे 30,000। उसके बाद है प्लांट, प्लांट की वैल्यू आपने, प्लांट के साथ कोई चेंजेस हुए थे? नहीं सर, प्लांट के साथ कोई चेंजेस नहीं हुए थे, सेम प्लांट की वैल्यू 272,500, ये आपने लिख दी। इसके बाद आप इसका टोटल कर देंगे, टोटल आपका आएगा यहाँ पे, टोटल आएगा बैलेंस शीट का 566,900, 566,900। लायबिलिटी साइड पे आ जाओ, लायबिलिटी साइड पे आ जाओ, लायबिलिटी साइड में अगर आप देखोगे तो अब लायबिलिटी साइड पे देखते हैं, सबसे पहले आपको दिखेंगे क्रेडिटर्स, सबसे पहले आपको दिखेंगे क्रेडिटर्स, तो आपने लिखना है क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स के साथ कोई भी चेंजेस नहीं हुए थे, एज इट इज़ का एज इट इज़ वही आ जाएगा 36,000। उसके बाद है आपके आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बुक में देखना बेटा फटाफट, वहाँ पे दिया हुआ 4,000 और आपको इंक्रीज करने थे 6,000 से, तो 4,000 पहले थे, 6,000 के इंक्रीज हुए, तो टोटल हो गया 10,000। नेक्स्ट वन इज आपको यहाँ पे आपने प्रोविजन बनाया था अनफोर्सिन लायबिलिटी के लिए, तो वो यहाँ आपकी बैलेंस शीट में आ जाएगा, प्रोविजन फॉर लायबिलिटी लिख देता हूँ मैं खाली, प्रोविजन फॉर लायबिलिटी 2,500 रुपीज। इसके बाद आपको लिखनी है कैपिटल्स, कैपिटल आ जाएगी एक्स की, वाई की और जेड की। एक्स की कैपिटल है 1,44,000, ये वाली कैपिटल आपको पिक करनी है, वाई की कैपिटल है 2,88,000, सेम यही वाली पिक की मैंने, उसके बाद जेड की कैपिटल है 86,400, ये आपने क्वेश्चन कर लिया कंप्लीट, ये आपने क्वेश्चन कर लिया कंप्लीट, क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। आपने सिर्फ ये देखना है प्रोपोर्शनेट वर्ड यूज हो रहा है या फिर कंबाइंड वर्ड यूज हो रहा है, अगर प्रोपोर्शनेट होगा तो जैसे आपको करवाया था, अगर प्रोपोर्शनेट का केस है तो उस केस के अंदर आपको लेट करना है प्रॉफिट 1, माइनस करना है न्यू पार्टनर का शेयर, और उसके बाद टोटल कैपिटल निकालनी है फार्म की। लेकिन अगर सिर्फ सिंपली वो ये बोलता है कंबाइंड कैपिटल का कुछ पार्ट लेके आ रहा है, कंबाइंड वर्ड यूज हो गया, दैट मींस आपको टोटल कैपिटल ऑफ फार्म कैलकुलेट नहीं करनी, सिर्फ उनकी जो पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल आएगी उसको प्लस करके और नए पार्टनर के शेयर के साथ मल्टीप्लाई करना है और आपकी कैपिटल आ जाएगी। ठीक है बेटा, ओके।